ओके गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, इन थर्ड एक्सरसाइज रीड दिस सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस को आप अच्छे से पढ़िए। आई एम हैरी, मैं हैरी हूँ। आई एम इन क्लासेस, मैं क्लास फर्स्ट में पढ़ता हूँ। ओके, यू आर माई फ्रेंड, हम यहाँ पूरा सेंटेंस बता रहे हैं ना, यू आर माई फ्रेंड, तो मेरे दोस्त हो। वी आर हैरी, वी आर हैरी एंड टॉम, वी आर फ्रेंड्स। तो यहाँ फर्स्ट वाले में आई के साथ हमने किसका यूज किया गया है, एम का। आई के साथ हमेशा एम को यूज किया जाता है, सी आई के साथ ऑलवेज एम आएगा। ओके, सेकेंड है यू, यू के साथ हमारा आर आएगा। ओके, यू के साथ हमने आर का यूज किया। नेक्स्ट है हमारा वी, वी के साथ भी हमारा आर का यूज होता है। इस सेंटेंस में दो बार वी आर है, वी के साथ आर का यूज है, वी के साथ आर का यूज है। यहाँ वो कह रहा है वी आर हैरी एंड टॉम, यानी कि वी आर हम लोग हैं, वी आर फ्रेंड, हम लोग अच्छे दोस्त हैं। ओके, तो आई के साथ हमेशा एम आएगा, यू के साथ आर आएगा और वी के साथ भी आर आएगा। वी दो लोगों के लिए यूज करते हैं। ओके, आई यानी मैं, एक पर्सन के लिए यूज होता है। यू यानी कि तुम, हम किसी दूसरे से उसके बारे में कह रहे हैं, तो यू मीन्स तुम। नेक्स्ट है वी, वी मीन्स हम, तो एक पर्सन से ज्यादा का किसी के बारे में जिक्र करेंगे तो हम यहाँ वी का यूज करेंगे, वी आर। ओके, सो लुक एट दिस पिक्चर्स, आप इन पिक्चर्स को देखिए, यहाँ पे भी यही वर्ड्स दिए गए हैं, यू आर, आई एम, वी आर। तो आपको इनको अच्छे से फिल करना है, इसलिए ब्लैंक एक्सरसाइज को फिल करना है। लुक एट दिस पिक्चर देन कम्प्लीट दिस सेंटेंसेस विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स, और इस बॉक्स में फिल कीजिए अच्छे से। फर्स्ट हमारा ऑलरेडी फिल है, यहाँ गर्ल्स हैं, थ्री गर्ल्स हैं जो स्किपिंग कर रही हैं, रस्सी कूद रही हैं। ओके, वी आर फ्रेंड्स है ना, तो यहाँ ज्यादा है, वन पर्सन से ज्यादा है, तो यहाँ वी आर फिल हो गया। तो वी आर फ्रेंड, हम लोग अच्छे फ्रेंड्स हैं। वी आर स्किपिंग, हम लोग कूद रहे हैं ना रस्सी, वी आर हो गया। यहीं से ऑप्शन से हमने वी आर ले लिया। नेक्स्ट है हमारा, अब ये हमें फिल करना है। इसमें देख सकते हैं एक ओल्ड मैन है और जो एक बॉय के साथ है। ओके, थैंक यू, शुक्रिया फॉर कैरिंग माई बैग, शुक्रिया तुम्हारा, तुमने मेरा बैग कैरी किया, मेरे बैग को लेके गए। डैश अ काइंड बॉय, तो किसका यूज किया गया जाएगा यहाँ, यू आर तुम एक दयालु लड़के हो, आई एम मैं एक दयालु लड़का हूँ, ये वी आर या हम दयालु लड़के हैं। किस, वो ओल्ड मैन ने, या ओल्ड मैन ने बॉय से कहा है ना, तो हेयर वी कैन राइट यू आर मीन्स तुम हो। ओके, सो यू आर अ काइंड बॉय, तुम एक दयालु लड़के हो। थर्ड इज, यहाँ थैंक यू पूरा सेंटेंस दिया गया था, हमने बस थोड़ा सा फिल किया था, बट यहाँ हमारा मोस्टली ब्लैंक स्पेस है। ओके, डैश वीना, क्या वीना, वो बता रही है यू आर वीना, तुम वीना हो या आई एम वीना या हम वीना या वी आर वीना, आई एम ना, सो हेयर आई कैन राइट आई एम। ओके, आई एम वीना, मैं वीना हूँ एंड मैं डॉक्टर हूँ, तो यू आर डॉक्टर या आई एम आर डॉक्टर या वी आर डॉक्टर, क्या राइट करेंगे हम, आई एम। So here I can write I am a doctor, मैं एक डॉक्टर हूँ। ओके, द फोर्थ इज, एक टीचर दिख रही है यहाँ, एक बॉय से स्टूडेंट से बात कर रही है। ओके, डैश अ गुड डांसर कोमल, तो कोमल के लिए क्या यूज किया जाएगा, यू आर तुम एक अच्छी डांसर हो, आई एम मैं एक अच्छी डांसर हूँ, वी आर या हम अच्छे डांसर हैं। टीचर स्टूडेंट से बोल रही है ना कोमल से, तो यहाँ पे क्या हम राइट करेंगे, यू आर तुम हो। ओके, सो यू आर अ गुड डांसर कोमल, तुम एक अच्छे डांसर हो कोमल। डैश गोइंग क्या जा रहा है, इस पिक्चर में आप लाइब्रेरी, सेंट्रल लाइब्रेरी देख सकती हैं, दिख रहा है ना आपको, यहाँ लाइब्रेरी है, यहाँ लाइब्रेरी में टू गर्ल्स जा रही हैं, दो लोगों का जिक्र है, तो यहाँ क्या आएगा, आप लोग समझ सकते हैं, ऑप्शंस मैं आपको भी देती हूँ। डैश गोइंग टू द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में क्या जा रहे हैं, तो सब क्या यूज करेंगे, यू आर तुम लाइब्रेरी में जा रहे हो, आई एम मैं लाइब्रेरी में जा रही हूँ, वी आर या हम लोग लाइब्रेरी में जा रहे हैं, क्या यूज करेंगे, वी आर ना, सो द करेक्ट आंसर इज वी आर। ओके, आई कैन राइट इट हियर, वी आर गोइंग टू द लाइब्रेरी, हम लोग लाइब्रेरी में जा रहे हैं। ओके, सो स्टूडेंट रिपीट दिस एक्सरसाइज एंड लर्न इट अगेन एंड अगेन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।